नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। फिल्म के नाम में झूठी और मक्कार है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये फिल्म इसकी उलट है। फिल्म का प्रोमो देखकर लग रहा था कि ये एक और आम सी कोई लव स्टोरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ अलग है, कुछ फ्रेज है, कुछ ऐसा है जो ना सिर्फ यंग जनरेशन को बल्कि ओल्ड जनरेशन को भी ये मूवी देखकर अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। ये कहानी है रणबीर और श्रद्धा की। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, पहले किसको होता है ये फिल्म दिखाएगा तो पता चलेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है, बात शादी तक आती है और फिर आता है ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट ही फिल्म की जान है। फिल्म रिलेशनशिप की बात करती है, फैमिली की बात करती है और बड़े खूबसूरत तरीके से करती है। बिना ज्ञान दिए काफी कुछ बता देती है। फर्स्ट हाफ स्लो है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन सेकेंड हाफ में सारी कसर पूरी हो जाती है और फिल्म एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट का तड़का मारती है। तो अब हम एक्टिंग की बात करते हैं, इसमें एक्टिंग क्या है। रणबीर कपूर काफी टाइम बाद इतने कमाल के लगे हैं और फुल फॉर्म में है। एक शब्द होता है निरंसुक, रणबीर को देखकर वही मिलता है। ना सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी। शर्टलेस और फिट रणबीर कमाल के लगते हैं और इस किरदार में पूरी तरह से वो फिट भी होते हैं। श्रद्धा कपूर कमाल की लगी हैं और इस किरदार के साथ उन्होंने पूरी तरह से न्याय किया है। अनुभव सिंह बस्सी की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, वो जब आते हैं आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। डिंपल कपाड़िया ने भी शानदार एक्टिंग की है। बोनी कपूर इतने अच्छे एक्टर हैं ये पहली बार पता चला। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा का कैमियो फिल्म में शानदार लगता है। अब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। लव रंजन का अपना एक जॉनर है। प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये फिल्म उस पहचान को आगे बढ़ाती है। फिल्म में मोनोलॉग है जो कमाल के लगते हैं। फिल्म के डायलॉग बहुत रिलेटेबल हैं। फर्स्ट हाफ पर अगर थोड़ी और मेहनत की गई होती तो फिल्म और कमाल की बनती, लेकिन सेकेंड हाफ में लव रंजन ने वो सारी कसर दूर कर दी। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बोरिंग नहीं लगते। गानों का पिक्चराइजेशन शानदार है। रणबीर श्रद्धा को देखना अच्छा लगता है। अरिजीत की आवाज में ओ बेदर्दिया लंबे वक्त तक याद रखा जाने वाला एक गाना बनेगा। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है इस मूवी की। फर्स्ट हाफ में स्पेन की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी दिखाई गई है और वहां रणबीर श्रद्धा के जो सीन्स हैं वो बड़ी खूबसूरती से उनको फिल्माया गया है। ये फिल्म सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, फैमिली के बारे में भी है, लेकिन दकियानूसी नहीं होती, ज्ञान नहीं देती। आज की जनरेशन खुद को इससे रिलेट करेगी और ओल्ड जनरेशन भी इस मूवी से कुछ अच्छा ही सीखेगी और आगे उनको फॉलो करेगी। कुल मिलाकर ये फ्रेज और एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे सिनेमा को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा ही नहीं। हर बार OTT पर फिल्म आने का इंतजार मत कीजिए, ये थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है। जाइए और देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तू झूठी मैं मक्कार, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा।